हे एवरीवन, तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं ये कद्दू की सब्जी। कुछ लोग सीताफल भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत एकदम मुलायम था, बहुत अच्छा था, छोटा सा। तो मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें आम डालते हैं ना कच्चे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डालूंगी, वैसे गुड़ डालते हैं, तो बाद में ऐड करूंगी। और मैं बनाने जा रही हूँ ये कद्दू की सब्जी बहुत टाइम बाद। और ये सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है सच बताऊँ तो, बट बहुत टाइम बाद बनाते हैं तो अच्छी लगती है। यानी कि मुझे नहीं पता कितने महीनों बाद मैं ये खा रही हूँ। तो चलिए हम झटपट से बना लेते हैं। लड्डू को जस्ट अभी मैं खाना खिला के आई हुई हूँ और मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, बहुत ही ज़्यादा फटा जा रहा है एकदम सर। बट कोई बात नहीं है, कल मुझे बहुत ठंड भी लगी थी रात में। अब ब्लॉगिंग मेरी रेगुलर नहीं हो पा रही है लड्डू की वजह से भी, क्योंकि उस पर मुझे एकदम पूरा दिन मैं उस पर ध्यान रखती हूँ। उसके साथ खेलना चाहती हूँ, उठना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी, फिर उसके बाद रोटी भी बनानी है। मेरा तेल निकल आया है, गर्म हो गया एकदम, फिर आप लोगों से रात मिलती का हूँ। समय कितना हो रहा है? 12:15 बज चुके हैं और हमारी मम्मी के लिए लिया गया। बेबी मेरे लिए बड़ा लेके आना क्योंकि मिरिंडा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये दे दूँगा, मेरे लिए लिया गया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं इनको अच्छी तरह पता है मुझे मिरिंडा पसंद है, लेकिन फिर भी ये डेली क्या लाते हैं, कोको कोला ब्लैक वाली। और ब्लैक वाली पता है कितनी नुकसानदायक होती है। मुझे बहुत फायदे हुए इसमें तो भाई साहब, सारी विटामिन से मल्टी विटामिन आ गई। नहीं नहीं पर मुझे ये येलो पसंद है, तो ये बोलो पता है मम्मी वगैरह के सामने, पता है इनको ले जाते हैं मम्मी वगैरह क्या कहते हैं इनको, इसको जूस समझती हैं ऑरेंज वाली को, तो वो लोग क्या बोलते हैं, काली वाली नहीं पीली वाली दो, वो जूस समझते हैं। अरे यार मैं अपनी मम्मी की नहीं, अरे मम्मी की बात कर रही हूँ ज़्यादातर। अरे तो मैं किसी का और का क्यों बोलूँ? अच्छा ऐसे कर रहे हो यार, चलो मुझे बड़ा चाहिए। अरे बड़ा मतलब मुझे बड़े वाली बात नहीं है, आई है तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मंगाई तुमने, इसको कौन पी जाएगा। चलो दोस्तों हम अभी कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, लड्डू महाराज हमारे सो चुके हैं। देखो ये रहे लड्डू महाराज, अगर जाग रहा होता मेरा बच्चा मांगता, लेकिन मैं फिर भी नहीं देती उसको। अच्छा हुआ वो सो गया। इतनी अच्छी बात कर लेती हो यार, क्यों जाग रहा होता तो वो मांगता, मैं फिर भी नहीं देती। तो फिर मांगने का मतलब क्या है? अरे मेरे मतलब तो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। अच्छा तो वो मांगता। क्यों यार बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्यों पसंद होती है? लक्ष्य को तुम याद करो, कितना छोटा सा तब से पीता था एक ही। इसलिए पसंद होती है क्योंकि कुछ भी काम हो जो कभी कभी होता है बच्चों को सब पसंद है। और डेली दे दो, डेली पी लेते हैं इनको तो बच्चे, डेली दूध देंगे, दूध नहीं पिएंगे, दूध में नाटक करेंगे, पर इसको पीने में नाटक नहीं करते कभी भी। बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो खराब है। सही कह रहे हैं। चलो गुड नाइट बोल दो सब लोग। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो लक्ष्य। तो हमारे लड्डू को मिरिंडा पीनी है क्योंकि हम लोग पी रहे हैं, तो मैंने उसको खाली गिलास दे दिया है तो वो गुस्सा कर रहा है। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ पी लो पी लो पी लो, हाँ पी लो पी लो पी लो, उल्टा नहीं पीते बेटा, हाँ पी लो। हाँ वो नकल कर रहा है बैठ के, कैक्टस पागल सा। लड्डू बेटा कोल्ड ड्रिंक पिएगा? इसे देखो, इसकी गुस्सा देखो, लड्डू की गुस्सा देखो, लड्डू की गुस्सा देखो, लड्डू की गुस्सा, लड्डू की गुस्सा। हाँ पी लो पी लो पी लो, बहुत ज्यादा शैतान हो गया लड्डू, बहुत ज्यादा शैतान। क्यों बेटा? देखो लक्ष्य अपना ग्लास करना, इसकी तरफ फैला नहीं दे, फैला नहीं दे। अरे फैला देगा, फैला देगा बेटा, हटा ले भाई, हटा ले, हटा दे, फैला देगा वो। ओ चाहिए, इसमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक। पी रहा है, पी रहा है। देखो अरे बच्चा।
गंदा बच्चा। कोल्ड ड्रिंक पीनी है अभी से, पिटाई लगाऊंगी, गंदा बच्चा। हे एवरीवन, रात का समय हो रहा है 1:07 और हमारे लड्डू महाराज ने कर दी हैं उल्टियां, तो उसके अभी मैंने करे हैं कपड़े चेंज। जो ये पानी रखा है तो अच्छे से पोंछ के इसको क्रीम वगैरह लगाई है, चोटी वगैरह बनाई है, और ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज ये बोल रहे हैं कि तुमने तो पंडित जी बना दिया, इसको येलो कुर्ता पहना दिया है। और ये पहले शर्ट बहुत बड़ी आ रही थी, अब इसको एकदम फिक्स आ रही है। और ये इसकी नानी ने बनाई थी, लड्डू की नानी ने बनाई थी लड्डू के लिए, प्योर कॉटन, एकदम ठंडा रहेगा ये। और ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका क्या करूं भैया मैं। लड्डू अभी मुझे कपड़े वॉश करने, पहले बहुत सारे कपड़े डले हैं वो वॉश करती हूँ। देखो इतना शैतान हो गया, कितना शैतान हो गया ये आज। इसने मेरी जो रबड़ बनाई है ना 2 घंटे, मुझे पता है। मेरे को भी पता है। देखो 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 शैतानी इसकी, क्या बदतमीजी। मुझे तो बदतमीज, गुस्सा हो जाता था, गुस्सा। ओ मेरे भाई, नहीं नहीं मेरे बच्चा, मेरे बच्चा, चुप हो गया, चुप हो गया। क्या हो गया? अब जो उस वाली बोतल से पानी पी लेगा है ना, अभी पी लेगा ना, मैं जो लेके आई थी इसके लिए। चलो दोस्तों गुड नाइट, ये दोनों पी रहे हैं मिरिंडा और मैं जा रही हूँ ये कपड़े वॉश करने के लिए, और मुझे बहुत सारे काम है वो अभी निपटाऊंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, फिर सुबह जल्दी उठना है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पे बन रहा है लड्डू का खाना। आप लोग सोच रहे होंगे ये रेड रेड क्या है, ब्लड जैसा, तो ये है चुकंदर, मैंने यहाँ पे स्टीम किया हुआ है, तो वो नीचे का पानी होता है ना, तो वो रेड रेड हो गया एकदम ब्लड जैसा। उस पानी को भी पी सकते हैं, वो पानी मैंने और लक्ष्य ने पिया है, और ये खाना बन रहा है लड्डू के लिए। तो यहाँ पे चुकंदर को मैंने छील के कट करके अच्छे से स्टीम कर लिया है, उसके बाद मैंने उसको जार में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है, जो चुकंदर का पानी था ना वो, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट शुगर, क्योंकि क्या पता लड्डू ने पसंद किया कि नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। उसके दूध में भी कर देती हूँ मैं कभी कभी, दलिया में भी कर देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो स्पेशली बच्चों वाला ही शुगर होता है कोकोनट शुगर, इसलिए। तो यहाँ पर ये मैं उसको खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा सारी चीज़ें खा लेता है, बच्चे बहुत नखरे करते हैं, इसलिए मैंने ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी है कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक माँ के लिए बच्चे को खाना खिलाना। आप लोग देख सकते हो उसकी इतनी हरकतें, सारे कपड़े गंदे कर लिए, और मैं ये सारी चीज़ें जिनसे कपड़े गंदे हो जाते हैं ज़्यादातर, वो सारी चीज़ें मैं उसको खाना खिला मतलब नहाने से पहले खिलाती हूँ। तो उसने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा फैलाया, बच्चे तो सभी इसी तरीके से करते हैं, और बट उसने खा लिया था अच्छे से। अभी हो रहा है इवनिंग का समय, यानी कि रात का ही समय हो रहा है। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड्डू बहुत तंग करता है, तो उसके पापा उसे डायपर पहना रहे थे, तो मैंने क्लिप शूट कर ली। ये है मॉर्निंग का समय, यहाँ पर लड्डू अपने पापा के साथ कर रहा है मस्ती, आप लोग देख लीजिए। सोने नहीं देना पापा को लड्डू, लड्डू लड्डू। सोने नहीं देना बच्चा, पापा को नहीं सोने देना। ओ उठ जाओ, चलो उठ। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा तुम फिर से डक लो, डक लो तुम, उसको किसी की नहीं पड़ी। दूध पिया है ज्यादा मत करना ऐसे पेट। तो
तो हम लोगों का नाश्ता पानी हो चुका है और अभी मैं रेलिंग साफ़ कर रही थी और डेली का इसका यही काम है। पहले जब हेमा आती थी उस टाइम पे भी और अब नहीं आती उस टाइम पे भी, गेट ओपन होते ही ये रेलिंग पे आ जाता है क्योंकि अभी ये थोड़ा चलने लगा है, जानने लगा है चीज़ों को जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। और हमारा घर ना एकदम रोड से है तो वहाँ से वाहन की आवाज़ आती है तो तुरंत निकल जाता है और उसको नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं रूम्स के अलावा। तो यहाँ पे देखो कितनी शैतानी कर रहा है इसकी, ये शैतानी सारे दिन चलती रहती है, इस वजह से मैं काम में भी लेट हो जाती हूँ। खाने का मेरा मन था पुलाव, तो यहाँ पे मैंने वेज पुलाव बनाए हुए हैं और ये बना रही हूँ मैं रायता बिना बूंदी का। इसमें मैं धनिया ऐड कर देती हूँ, धनिया कट करके मैंने रख ली है और जीरा पाउडर वगैरह सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए खा लेते हैं। वाह कितने खिले खिले लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा यार। कभी कभार दिल करता है चावल वगैरह हो गए इनका, ऐसे कुछ बिरयानी वगैरह बनाने का, पुलाव बिरयानी कुछ भी बोल सकते, बिरयानी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड है नहीं। चलिए हम खा लेते हैं। तो फाइनली हमारी थाली हो चुकी है तैयार और बस अब मैं इसको एंजॉय करने वाली हूँ। बाहर हो रही है बारिश, तो बारिश होनी तो, और ये इस टाइप के मैंने बहुत टाइम बाद बनाए। वैसे मैं छोंक लगा के बनाती हूँ चावल बना के, लेकिन इस बार मैंने कुकर में ही सब कुछ किया है और इस टाइप के बहुत अच्छे लगते हैं यार, टेस्ट ही अलग होता है। चलिए खा लेते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। A few moments later. तो यहाँ पे पतिदेव खा रहे हैं पुलाव और लड्डू को देखो आप, उसको खाना है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बच्चे अपना खाना पसंद नहीं करते, जितना हम लोग खाते हैं वो सारी चीजें खाना पसंद करते हैं। क्यों नहीं खिलाया तुमने? वो पीछे खिसक गया था चम्मच, वो आ करता जा रहा था, चम्मच घुस जाती अंदर। कैसी है लड्डू? A few moments later. आ रहा है, आना नहीं, आना नहीं, लगा लगा बस। A few moments later. क्या हुआ लड्डू, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तो बोलना नहीं, देखो ये क्या करेगा, देख लड्डू लड्डू लड्डू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ भैया? गुंजी बेटा बेटा बेटा। A few moments later. Thank you.
के एवरीवन, गुड इवनिंग। डिनर सब लोगों का हो चुका है। पतिदेव अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लक्ष्य के एग्जाम ख़त्म हो गए हैं तो वो कुछ अपनी ड्राइंग वगैरह कर रहा है उसी रूम में। लड्डू ने इतनी ज़्यादा शैतानी करी कि वो अभी सो गया है, लेकिन अभी एक बार और जागेगा, फिर रात में सोएगा 2-3 बजे, और इसका यही चलता रहता है। और मेरी हालत तो सच में इतनी ख़राब हो रही है, क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। बट हाँ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है लक्ष्य की वजह से, क्योंकि देखो जब बच्चे की कोई रखवाली करने वाला होता है या मैं कुछ भी करती हूँ, नहाती धोती, कपड़े वगैरह धोती हूँ, या बहुत सारे किचन के काम होते हैं, खाना पीना, उसमें भी टाइम लगता है। तो लड्डू अब बड़ा होता जा रहा है तो उसकी रखवाली बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत गिर जाता है, अभी जानता नहीं है, बेड पे से नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो उसकी रखवाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो इस वजह से लक्ष्य से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। बट मैं सोच रही हूँ जब लक्ष्य स्कूल जाने लगेगा तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और वो आजकल लकड़ी की काठी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, जब भी रोता है या कुछ भी करता है एकदम एकांत से अभी एकदम शांत होकर देखता है और एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वैसे मैं उसको फ़ोन और टीवी की आदत बहुत कम लगा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको टीवी और फ़ोन की आदत ना लगे। खाना भी खिलाती हूँ तो मैं उसको बेल अप ला के खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल आपने देखा होगा ना, अपने आसपास बच्चे फ़ोन से ही खाना खाते हैं या टीवी से ही खाना खाते हैं, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें ना हों लड्डू के साथ। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका ग्वालियर जाने का क्या हुआ, और मुझे इधर उधर से खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि कुछ लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे आसपास के लोग, तो उनको शर्म आती है कमेंट्स करने में। कमेंट्स में नहीं पूछ सकते, मुझसे पर्सनली नहीं पूछ सकते, लेकिन मेरे रिलेशन वालों से पूछते हैं कि क्या हुआ, ग्वालियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या कैसे ग्वालियर आ रहे हैं, क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं कि आना ना आना ये तो हमारी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये था, मैंने जब आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जा आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा था एकदम 50-50 था कि आ भी रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, तो मुझे जाने का दिल नहीं कर रहा है। बट फिर बीच में एकदम कैंसिल हो गया, तो हमने सोचा एकदम चलो चुप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कैंसिल ही हो गया। उसके बाद अभी फाइनल डिसीजन हो गया है। आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, जल्दी ही हो जाएंगे, कुछ ही समय बाकी है मेरा यहाँ गुड़गांव में, इतने टाइम से मैं रही हूँ। बट कोई बात नहीं, ये डिसीजन बहुत बड़ा है हमारे लिए और हमें लेना ही पड़ेगा। पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, देखती हूँ। तो पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया था, वो लेट हो गए हैं तो अभी देने के लिए आ रहे हैं मेरा पार्सल। मैंने कुछ शॉपिंग करी है लक्ष्य के लिए, और तो इस वजह से अब हमारा फाइनल डिसीजन हो गया है कि हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनको मुझसे पूछने में शर्म आती है, या दूसरों से क्यों पूछते, जब आप मुझे पर्सनली जानते हो मुझसे भी पूछ सकते हो। रही बात कि क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, क्या कैसे, वो एकदम अंदर लाइफ में घुसना वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं कर देती, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहती, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आपको भी पता है कि सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते हैं। टाइम आने पर मैं शेयर करूँगी कि हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं ग्वालियर, लेकिन जल्दी ही शेयर करूँगी। और बस मेरे कुछ ही दिन गुड़गांव में बचे हुए हैं, तो फाइनल डिसीजन मेरा ये है कि हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो लोग ग्वालियर से हैं वो मुझसे कांटेक्ट करे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट इन्होंने किया हुआ है कि कब आ रहे हो आप ग्वालियर, और थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे जब मैंने शेयर किया था हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं उस टाइम पे कमेंट किया था कि आप आ जाओ, सारे लोग बोल रहे थे कि आ जाओ ग्वालियर बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं, मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही ग्वालियर में। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट्स करते हो तो, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।